नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। नेशनल इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। जी हां, समय समय पर हम आपको स्वच्छता मिशन में फैली दुर्व्यवस्था से अवगत करवाते रहते हैं। हाल ही में हमने आपको ग्रेटर नोएडा के व्यस्तम इलाके परी चौक के शौचालय की दुर्दशा से अवगत करवाया था। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी दिखाई हुई खबर का प्रशासन पर बड़ा असर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, नेशनल इंडिया न्यूज के संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट का असर नोएडा के व्यस्तम इलाका परी चौक के टॉयलेट की हालत के जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी और ऑफिसर पर इस कदर पड़ा कि वहाँ के श्रीमान सीईओ ने वहाँ के अधीन स्थल कर्मचारी को कड़े निर्देश देते हुए इन टॉयलेट्स की हालत को जल्द से जल्द ठीक कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद टॉयलेट का काम शुरू कर दिया गया है और अब कुछ ही दिन में यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ग्रेटर नोएडा से अशोक कुमार की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, 18 दिसंबर को मैंने ई टॉयलेट परी चौक में जो बना हुआ था उसकी शिकायत करी थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सीओ साहब श्री नरेंद्र भूषण जी को। और आज देखिए, ये जो ई टॉयलेट है ये तैयार किया जा रहा है, बनकर के तैयार हो चुका है। ये परी P3 गोल चक्कर का एरिया है जहाँ पर मैंने इस शिकायत को किया था। और बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्राधिकरण के अधिकारियों का कि इस समस्या को जल्द से जल्द उन्होंने सही कराया, जिससे कि जो यहाँ पे यात्री आते हैं बैठते हैं बसों में तो उनको बहुत समस्या होती थी बाथरूम जाने के लिए। तो ये तैयार किया जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम भी लगभग चालू हो गया है। ये टॉयलेट पहले जो खराब पड़ा हुआ था, अब इसको दोबारा से सही किया जा रहा है और पानी की लाइन भी इसमें डाली जा रही है। पहले ना इसमें पानी की लाइन थी ना कुछ था, और आज इस ई टॉयलेट को बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को, उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेकर के इस ई टॉयलेट को सही कराया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।